हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बेस्ट शीट्स। इसका मैं पूरा रिव्यू दूंगी, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। तो ये जो बेस्ट शीट है इसका मैंने दो का पेयर मंगाया है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई है। और ये इसके पिलो कवर है। जैसे ही मैंने ये पिलो कवर निकाले मुझे ये छोटे लगे, और वाकई में जब मैंने इन्हें पिलोज पर कवर किया तो ये छोटे ही थे। कलर कपड़ा वाइज अच्छा था। जिस रेंज की है इनके प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सारी बेड शीट्स के, तो आप वो देख सकते हैं वहाँ से। ये इलास्टिक बेड शीट है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी वो मीशो की और अमेजोन की इलास्टिक बेड शीट थी गाइज। वो बेड शीट काफ़ी अच्छी थी, आप उन बेड शीट्स को मंगा सकते हैं। तो जो मैंने पहले बेड शीट इलास्टिक वाली मंगाई थी उसमें पूरे में इलास्टिक थी, ये बेड शीट थोड़े कम रेंज के हैं तो इसमें सिर्फ कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में इलास्टिक दी है, पूरे में इसमें इलास्टिक नहीं है, सिर्फ कॉर्नर में ये इलास्टिक दी हुई है। शायद प्राइस कम है इसलिए इन्होंने ऐसा किया है, इसमें सिर्फ चारों कॉर्नर पर इस तरह से इलास्टिक लगी हुई है। बस इस तरह से ये कॉर्नर पे इलास्टिक है, शायद ये प्राइस की वजह से ही है, क्योंकि जो मेरी पहली इलास्टिक बेडशीट थी उसमें पूरे में इलास्टिक लगी हुई थी, मीशो वाली में भी और अमेजोन वाली में भी। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो। इसका जो कपड़ा था वो ठीक था, कपड़े में कोई शिकायत नहीं थी, कलर वाइज अच्छी थी, जैसा प्रिंट था वैसा ही सेम आई थी। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि आप देखिए इस तरह से, जैसे ही मैंने ये दूसरी बेडशीट खोली इसमें पूरे में इस तरह से कट, और यहाँ पर तो ये काफ़ी कट था, अगर आप थोड़ा सा इसे खींचेंगे तो ये फट जाएगी। मैं इसे रख लेती, मैं सोच भी रही थी कि चलो मैं रख लूँ, पिलो को इग्नोर कर दूँ, लेकिन फिर जब ये कट देखा तो मुझे ये रिटर्न करनी पड़ी। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप ये वाली बेडशीट ना मंगाएं, वैसे मैं लिंक दे दूँगी आपको, लेकिन मैं आप कोशिश करिएगा कि इन बेडशीट को ना लें, क्योंकि इस बेडशीट के जो पिलो कवर थे वो भी थोड़े छोटे साइज़ के थे। और इसी प्राइस में मैंने फ्लिपकार्ट से भी बेडशीट मंगाई, वो बेडशीट बिल्कुल बेस्ट आई, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको वीडियो में। और आप ये देख सकते हैं कितना लंबा, कितना थोड़ा सा भी आप इसे खींचेंगे तो ये वहाँ से फट जाती। वैसे जिस प्राइस की ये बेडशीट है उस प्राइस में कलर, डिज़ाइन और इसका जो कपड़ा था वो अच्छा था, लेकिन बस में मुझे दो शिकायत लगी कि एक तो बेडशीट में इस तरह से कट आया, दूसरा जो पिलो कवर थे वो छोटे थे। मुझे इलास्टिक से भी कोई शिकायत नहीं थी कि पूरे में नहीं थी, कॉर्नर में तो थी, लेकिन फिर भी जब मैंने इसके कॉर्नर को दबाया तो वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से दबे नहीं। तो बिछाने के बाद इसका जो लुक था वो इस तरह से आ रहा था, बिछने के बाद अच्छा लुक आ रहा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही थी, डेली वेयर के लिए अच्छी थी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पिलो कवर इतने छोटे हैं इसके, कलर डिज़ाइन और कपड़े में कोई कंप्लेंट नहीं थी, अच्छा था। और इसका जो कॉर्नर था ये देखिए इस तरह से, मैंने काफ़ी प्रेस करा, काफ़ी दबाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से इस तरह से वो निकल रहा था, जैसे कॉर्नर अच्छे से प्रेस नहीं हो रहे थे। और पहली जो मेरी इलास्टिक वाली बेडशीट थी वो काफ़ी अच्छे से एकदम फिट हो गई थी, तो ये कॉर्नर भी निकले हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। और साइज़ में भी ये थोड़ी सी छोटी थी, सिर्फ थोड़ी अंदर दबी है, साइज़ भी इसका कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। अभी ये अमेजोन से मैंने दूसरी बेडशीट भी मंगाई, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, मैं सारे प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी, जिस रेट की ये बेडशीट है उस रेट में ये बहुत अच्छी बेडशीट है, ये प्योर कॉटन की बेडशीट है। कलर डिज़ाइन और इसका पिलो कवर भी काफ़ी बड़ा आया, आप देख सकते हैं। इस कपड़े की बेडशीट मेरे पास पहले भी है, जब आप इसे वॉश करते हैं थोड़ी सी थिक हो जाती है, और बहुत लाइट वेट होती है बेडशीट, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है,
तो स्प्रेडशीट को तो मैं बोलूँगी कि आप इसे ले सकते हैं। पिलो कवर को आप दोनों साइड से डाल सकते हैं। इस तरह से पिलो कवर की सिलाई है कि आप इसे दोनों साइड से डाल सकते हैं, ब्लू की तरफ से भी और येलो की तरफ से भी। और साइज तो आप देख ही रहे हैं कि पिलो कवर कितना अच्छे साइज में है। और बेडशीट भी काफी बड़ी साइज में थी, किंग साइज में है ये बेडशीट। कपड़ा काफ़ी अच्छा था, इसका बहुत लाइट वेटेड कपड़ा था। जैसे हम मार्केट से कॉटन की बेडशीट लेते हैं बहुत थिक होता है वो कपड़ा, जब आप इसे वॉश भी करेंगे ना तो बस ये थोड़ी सी थिक होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसका जो वेट है वो काफ़ी लाइट ही रहेगा। और आप इसकी सिलाई देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग है, और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि 800-900 की नहीं है, कम रेट की ही है। तो इस बेडशीट के लिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इस बेडशीट को मंगा सकते हैं, और मैं इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें और भी कलर डिज़ाइंस थे, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कितना बड़ा पिलो था, फिर भी कवर अभी बड़ा ही है, मतलब पिलो कवर काफ़ी बड़ी साइज़ के आए थे इसके। और आप इसे एक तरफ से येलो कलर का है और पीछे ब्लू की लाइन है, तो आप इधर से भी चाहें तो येलो की तरफ से रख सकते हैं, और आपका मन है तो आप ब्लू की साइड से भी रख सकते हैं। और बिछने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रही थी गाइस। और आप इसकी लेंथ भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है इसकी लेंथ, ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। साइज भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है, कलर डिज़ाइन कपड़ा सब कुछ इसका अच्छा है। बस मेरी वो ही बेडशीट थोड़ी सी ख़राब निकली, मैं आपको थोड़ा सा पास से भी दिखा देती हूँ। इस बेडशीट की थम्स अप है, आप इस बेडशीट को ज़रूर ऑर्डर करें, आपको ये अच्छी लगेगी। अब ये तीसरी बेडशीट, ये है फ्लिपकार्ट की बेडशीट, इसके भी मैंने दो का सेट मंगाया है। इसमें भी वो ही था, क्योंकि ये भी उसी रेंज की थी, कम रेंज की बेडशीट है, तो इसमें भी पूरे में इलास्टिक नहीं थी, इसमें भी कॉर्नर का था। सेम सब कुछ वही था, कलर भी थोड़ी थोड़ी सेम है दोनों के, रेट भी सेम से ही हैं। बस इसमें क्या था, इसके पिलो कवर अच्छे आए उस वाली अमेजोन वाली से, लेकिन इलास्टिक सेम थी। इसमें भी कॉर्नर में इलास्टिक थी, और जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी उसमें भी कॉर्नर में इलास्टिक थी। शायद ये प्राइस की वजह से था कि आप थोड़े से हाई प्राइस की बेडशीट लेंगे इलास्टिक वाली तो वो पूरे में देंगे आपको। कपड़ा लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा था, उस वाली बेडशीट से इसका कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, और इसके पिलो कवर भी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हैं। तो मैं आपको इसको डालकर दिखाती हूँ एक बार, और आप ये देख सकते हैं कि अंदर दबने के बाद इसकी जो फिनिशिंग थी वो भी अच्छी आई थी, इसके कॉर्नर भी अच्छे से दब गए। इसमें वो सारी कंप्लेंट नहीं थी जो अमेजोन वाली बेडशीट में थी। तो बिछने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही थी, इसके पिलो कवर भी बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। तो अगर आप चाहें कम रेंज की बेडशीट, डेली वेयर आपको बेडशीट चाहिए, तो आप ये फ्लिपकार्ट से आप इस बेडशीट को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें भी कलर डिज़ाइन से मैं लिंक दे दूँगी, तो जब आप लिंक खोलेंगे तो उसमें और भी कलर डिज़ाइन आ जाएंगे। तो वो तो मैंने रिटर्न में डाल दी, अमेजोन वाली जो दूसरी बेडशीट थी येलो और ब्लू, वो बेडशीट अच्छी है। लेकिन ये जो फ्लिपकार्ट की इस रेंज की कम रेंज की बेडशीट है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है। कपड़ा, कलर, डिज़ाइन सब कुछ इसका अच्छा है, और फ्लो कवर भी इसका काफ़ी अच्छा है। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।